कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे सरसों और पालक की सब्जी। सरसों और पालक की सब्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और इस टाइम पालक और सरसों का सीजन भी चल रहा है। आज जो सरसों और पालक की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें न तो पालक को उबालना है न पीसना है, ऐसे ही हम फटाफट बना के तैयार करेंगे। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट बनती है। सरसों और पालक की सब्जी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम सरसों लिया था और सरसों को हमने अच्छे से धो के बारीक बारीक चाकू की सहायता से काट लिया है। साथ में हमने 300 ग्राम ही पालक लिया है और पालक को भी हमने अच्छे से साफ करके धो के बारीक बारीक काट लिया है। आप सरसों और पालक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के सदस्यों के हिसाब से। साथ में 2 बड़े टमाटर लिया है, टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। 2 ही हमने प्याज लिया है, 3 हमने हरी मिर्च ली है और 10-15 हमने लहसुन की कलियां ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हमने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। सब्जी आप यहाँ पे घी में, सरसों के तेल में, जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। साथ में हम डाल देंगे लहसुन, लहसुन को हमने लंबा लंबा काट लिया है और थोड़ी सी हम डालेंगे हींग। और अब हम डाल देंगे प्याज, प्याज के साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च और प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च और प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों और साथ साथ हम मिलाते जाएंगे। सरसों को हमने डाल दिया है, अब हम डाल देंगे पालक। और पालक सरसों को हम अच्छे से मिलाएंगे। सरसों और पालक को हमने अच्छे से मिला दिया है और सरसों और पालक ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इस टाइम पे हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक और हल्दी को हम अच्छे से मिला देंगे सब्जी के अंदर। नमक और हल्दी को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब सब्जी को हम ढक के मीडियम गैस के ऊपर 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सरसों और पालक हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए हमने सरसों और पालक को पका लिया है। पानी का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी सरसों पालक ने खूब सारा पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं सब्जी के अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर और मसाले को हम अच्छे से मिला देते हैं। इस टाइम पे हमने गैस को खुली कर रखा है। मसाले को 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी सब्जी के अंदर अच्छे से मिला देंगे। सब्जी को अच्छे से मिलाने के बाद फिर से हम ढक के मीडियम गैस पे 2-3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। पालक और सरसों की सब्जी को हमने 2-3 मिनट और पका लिया। ये देखिए टमाटर भी हमारे एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये सब्जी हमारी फटाफट बन के तैयार है। इस टाइम पर हम गैस को बंद कर देंगे और ये हमारी गर्मा गर्म पालक और सरसों की सब्जी बन के तैयार है। आप इस तरीके से पालक और सरसों की सब्जी बना सकते हैं। आप इसको पालक और सरसों की भुज्जी भी बोल सकते हैं। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो आप भी हमारे पालक और सरसों की सब्जी की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, आपको पसंद आएगी। और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।